The internet is full of bro science fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, Dosto I am Doctor Paramjeet. You are watching Doctor Education. Friends, it's been many Corona is not over, and bad hai is क्या आपको लगता है इसका कारण क्या है इसके कारण है आप और हम जी हाँ इसका कारण ये नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे इसका कारण ये है कि हम कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंसिंग कर रहे हैं उन लोगों से जिनको कोरोना है जिनको कोविड है इसका कारण है वो स्टिग्मा वो ब्लेमिंग वो शेमिंग जो हम कर रहे हैं उन लोगों से जिनको कोरोना हो गया उन लोगों की केयर नहीं होती उन लोगों को सही वक्त पे टेस्ट नहीं मिलते उनको अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए दवा एक आती है तो मार्केट से ख़त्म हो जाती लोग ले ले रख लेते हैं ऑक्सीजन सपोर्ट की मशीनें आती हैं तो लोग ले ले रख लेते हैं इसका प्रॉब्लम ये है कि लोग पैनिक कर रहे हैं लोग ब्लेम कर रहे हैं लोग एक दूसरे से जुड़ के नहीं अलग अलग काम कर रहे हैं और इससे सबको नुकसान हो रहा है समझना पड़ेगा आपको कैसे ये एक बहुत ये एक नई सिचुएशन है ये पहले ऐसी कोई बीमारी इतनी बड़ी तादाद में नहीं है लेकिन जब भी ऐसा कोई बड़े लेवल पे आउटब्रेक होता है ये ज़रूर होता है कि कोई अफवाह फैलती है कोई मिसगाइडिंग न्यूज़ होती है कोई सच होती है कोई झूठ होती है और ऐसे में कई सारे लोगों के खिलाफ खासकर कभी कभी जिसको कोरोना है उसके खिलाफ सब लोग बात करने लग जाते हैं कि इसको तो कोरोना है ये 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 नर्स है ये हॉस्पिटल से आती है सुना ही होगा आपने इनको घर में मत रखो आप दूसरा घर ढूंढ लो और कोई चाइनीज लोग है तो वो उनकी गलती है वो कोरोना फैला रहे हैं उनसे बात मत करो उनसे घर से निकाल दो उनको खाना मत दो कुछ न दो और जो ट्रैवल करके बाहर से आ रहे हैं उनसे दूर रहो उनसे उनसे बात मत करो उनको सोसाइटी में मत घुसने दो राइट जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इमरजेंसी रिस्पोंडर्स हैं उनको लोग पत्थरें मार चुके हैं पत्थर मार चुके हैं लहा यहाँ तक हो चुका है यह बात सोचिए जो लोग डिजीज्ड हैं जिनकी फैमिली डिजीज्ड हैं उनके ऊपर लोग आस पड़ोसी प्रेशराइज़ करते हैं उनको प्रेशर देते हैं कि तुम बाहर मत निकलो तुम तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है कोई पूछने वाला कोई नहीं टेस्ट करवाना है डॉक्टर के पास जाना है तो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो बाहर क्यों निकले हमें हो जाएगा जो लोग क्वारंटाइन से क्वारंटाइन का समय बिता के भी आ गए या अपना क्वारंटाइन चौदह दिन का निकाल के भी आ गए फिर भी उनके बारे में उनके ऊपर शक होता है उन लोगों को कि भाई पता नहीं ये लोग हम पे फैला देंगे राइट right? वो लोग या तो एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं शन कर दिए जाते हैं सोशल सिचुएशन से कोई किसी की जॉब जॉब निकाल दी जाती है भाई तुम्हारा काम अभी तुम्हारे को काम नहीं दे सकते उनका जॉब चला जाता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कोई किसी को नहीं देता मान लीजिए कोई किसी का घर चला जाता है किसी को खाने पीने को नहीं दिया जाता राइट right? किसी को इमोशनल किसी को वर्बल किसी को फिजिकल अब्यूज होता है इससे क्या हासिल हो जाए ये जिनके ऊपर हो रहा है वो डिप्रेस हो जाते हैं वो हर्ट हो जाते हैं वो गुस्सा में आ जाते हैं एंग्री हो जाते हैं ऐसे एंग्री लोग जानबूझ के बोलते हैं जा तुझे भी कर दू जा इधर भी कर दू मैं उधर भी कर दूँ लोग एक दूसरे को रिवेंज लेना चाहते हैं ऐसे लोग खुद की उनकी खुद की अंदर के कॉर्टिस लेवल्स बढ़ जाते हैं उनकी खुद की बीमारी बढ़ जाती है और ऐसे लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिलेगा आप घर पे नहीं रहने दोगे आप और टेस्टिंग नहीं करोगे लैब वाले मना कर देंगे तो वो क्या करेंगे आपको लगता है कि वो एक जगह बैठे हैं कमरे में आपको नहीं फैलाएंगे वो वो फिर भी इधर उधर घूमेंगे वो दस जगह घूमेंगे वो सौ जगह घूमेंगे और सौ जगह फैलाएंगे इसकी जरूरत क्या है ये कंसर्निंग चीज है ये कोरोना वायरस से ज्यादा कंसर्निंग है उसके पीछे हो रहा स्टिग्मा ये आपको भी हार्म करेगा ये सबको हर्ट करेगा ना से, रिसर्च में ये आया है कि पहले हो चुके एपिडेमिक्स ने ये बताया कि ये स्टिग्मा ये चीज ये सोशल जो आप बॉयकॉट जैसा कर देते हैं उन लोगों का ये उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता टेस्ट नहीं मिलता जब टेस्ट नहीं मिलेगा तो वो ठीक कैसे होगा उसका वायरल लोड कैसे कम होगा वो तो और वायरस फैलाएगा तो इससे देखा गया है कि ये स्टिग्मा डिटरमाइन करता है कि ये एपिडेमिक कब खत्म होगा ये ये पैंडेमिक कब खत्म होगा ऐसा पहले रिसर्च में देखा गया है जो लोग बहुत ज्यादा वरी होते हैं बहुत ज्यादा इस तरह के स्टिग्मा करते हैं बहुत ज्यादा जिन लोगों को डिप्रेस करते हैं वो और ज्यादा इश्यू होने लग जाता है फिर उस एरिया में उस मोहल्ले में कोई अपना टेस्ट ही नहीं कराएगा उस दिल्ली में फिर लोग टेस्ट कराना बंद कर देंगे जानबूझ के टेस्ट नहीं कराना वरना यह हो जाएगा कई लोगों को यह डायरेक्ट टेस्ट कराऊंगा तो गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी मुझे क्वारंटाइन में नहीं रहना लोगों ने टेस्ट कराना बंद कर दिया और आज खुले आम सब घूम रहे हैं कोई लॉकडाउन नहीं कुछ नहीं सारा खुला अनलॉक तो कोरोना फैलेगा दिस विल इंक्रीज रिस्क ऑफ इंफेक्शन जिसको रिस्क है जिसको दिक्कत है वो डॉक्टरों के पास नहीं जाते वो वो क्वारंटाइन नहीं होते वो आइसोलेट नहीं होते कुछ होते हर एक नहीं होती, सो so, सोचो एक ये डर फैल जाएगा जब तो जब लोग टेस्ट नहीं करवाएंगे जिनको पॉजिटिव आ गया है वो अगर किसी लैब में फोन करते हैं कि हमारा एक्सरे करना है हमारा टेस्ट करना है लैब मना कर देती है तो आपका कोविड पॉजिटिव है हम उनका नहीं कर सकते जो आपके यहाँ रोज आ रहे हैं उनमें भी अगर आप सबका टेस्ट करोगे जिनका रोज कर रहे हैं लैब वाले क्योंकि एसिम्टोमेटिक पेशेंट भी हैं आज के डेट में तो उसमें पचास परसेंट पॉजिटिव निकलेंगे तो अगर आप आज के डेट में लोगों से मिल रहे हो तो आपके अंदर कोरोना है जा चुका है तो इसमें स्टिग्मा, इसमें लोगों को गलत सोचना बोलने वाली बात ही है? मैं तो बोल चुका हूं जिससे मिल रहे हो जो सामने खड़ा है उसको कोरोना है ये मान के चलो अगर आगे खड़े हर इंसान का टेस्ट करने की कोई तुरंत टेस्ट करने की तरीके होती इसके अंदर कोरोना है या नहीं वो फीवर वाला नहीं है वो तो तब है अगर कोरोना बीमारी करेगा अस्सी परसेंट में बीमारी ही नहीं करता जरा भी नहीं तो पता भी नहीं चलेगा जब होती तो पचास परसेंट से ज्यादा लोग जो आपसे रोज मिलते हैं उनको कोरोना है आज के डेट में इंडिया में कुछ स्टडीज में ऐसी बोला जाता है अस्सी अस्सी करोड़ के आसपास लोगों को हो सकता है कोरोना हो और ये कोई ये कोई वेरीफाइड चीज नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी कोरोना हो रखा है हो चुका है सो प्लीज ये बंद करो सपोर्ट करो अब ये चीज से अगर आपको कुछ करना है ना तो एजुकेट करो सही ज्ञान दो कहीं गलत बात आती है उसके खिलाफ आवाज उठाओ ये क्या बकवास है इससे ठीक हो जाएगा ये बकवास है ये मत सोचो क्योंकि लोग क्या करेंगे सही इलाज की जगह उल्टी सीधी ट्रीटमेंट लेंगे और फैलाते जाएंगे <coughs> फैलाते जाएंगे राइट सो दिट इज नॉट गुड आपको क्या चाहिए आपको चाहिए सही नॉलेज और आपको चाहिए सही नॉलेज फैलाना लोगों को सही नॉलेज बांटिए शेयर करिए सोच समझ के वीडियोस को उल्टे सीधे वीडियोस को मत शेयर करिए नंबर दो अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन है तो वो जिसने भेजी है उसको बोलिए और उसको बोलिए कि उसको जिसने भेजी है उसको बोले उसको वो चेन को ट्रेस आउट करिए और उसको रोको उसको बंद करो जो डॉक्टर्स हैं जो आपको देख रहे हैं जो जो लोग आज के डेट में कोरोना के अंदर अपने काम कर रहे हैं आपके घर में कचरा उठाने आ रहे हैं सामान देने आ रहे हैं उनको उनकी उनकी देखभाल करो उनसे पूछो तो भाई तबीयत ठीक है, है मास्क है कि नहीं है सैनिटाइजर है कि नहीं है वहां से आएगा कोरोना अगर आएगा आपके घर के अंदर आपके बाबू जी को आपकी माता जी को सिर्फ आपके मास्क पहनने से नहीं होगा तो आपको दूसरों का ख्याल रखना पड़ेगा आप अगर दूसरों का ख्याल रखोगे तो आपको कोरोना नहीं होगा अगर आपके बगल वाले को कोरोना है कोरोना थोड़ा बहुत फैलता भी है बहुत दूर दूर नहीं जाता है लेकिन किसी ने खासा तो खिड़की से निकल के इधर आ सकता है तो उनका ख्याल रखो कि उनको खांसी ना आए उनको दवा मिले उनको ड्राई कफ हो रहा है तो डॉक्टर मिले उनका ख्याल रखो पास जाने के जब भी पाने की जरूरत नहीं है पूछो फोन करके पूछो कुछ चाहिए अवेलेबल करवाओ उनको सामान नहीं मिलेगा रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे दवाई नहीं मिलेगी तो वो ठीक कैसे होंगे आप ठीक कैसे रहोगे उनके टेस्ट करवाओ ताकि ये पता चले वो सीरियस तो नहीं हो रहे कि वो ठीक हो रहे हैं क्या हो रहा है ये बहुत ज़रूरी अगर आप अपना सपोर्ट दिखाओगे एक दूसरे को तो ये बीमारी बीमारी नहीं रहेगी एक सिचुएशन होगी वो सिचुएशन फिर ठीक हो जाएगी अगर हम सब एक दूसरे का सपोर्ट करें एक छोटी सी ये पेंडेमिक जल्दी खत्म हो जाएगा वरना ये नहीं ख़त्म हो रहा ये चले जाएगा चलता रहेगा चलता रहेगा सो प्लीज़ अंडरस्टैंड हाथ जोड़ के बिनती है सही काम करिए एक दूसरे को मदद करो एक दूसरे से बात करो एक दूसरे की मदद करो और कोरोना में कोरोना को हराने की बात करो किसी के लिए नहीं अपने लिए करो और शेयर करो वीडियो